रात को भी नहीं सोई और ये दिन को भी आकर नहीं सोई, इसकी हालत देखें। अब मैंने नोटिस किया कि मेरी आंखें एक दूसरे के अंदर जाना शुरू हुई। हाँ तो नींद आई हुई है ना, बस इनको भी लटाओ ना और मैं मतलब सब जाएंगे बाहर। और ये देखे जी मेरा कट्टू ना आया आज। इसमें मैंने पर्पल लाइट लगवाई है। खाला ये देख लें, आज मैं आपकी व्लॉगिंग कर रही हूँ और ये देखें साथ मैंने मैचिंग कलर के ब्लाइंड्स भी लगवाए हैं। अच्छा है ना खाला? हाँ जी। सिर्फ किचन का ही आप सबका? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही मैं जा रही हूँ राजदा की तरफ। काफी दिन हो गए थे, मैं उसे कह रही थी कि भाई हमने आना है घर देखने के लिए, तो जाहिर है घर के छोटे छोटे काम जा रहे हैं, आपको पता है, कभी कर्टन लग रहे हैं, कभी वॉलपेपर लग रहा है, कभी पेंट हो रहे हैं, तो इस वजह से ना चक्कर नहीं लग सका है। तो आज फिर जी राजदा ने कहा है कि आज लेबर नहीं लगी हुई है, तो भाजी आप ही आ जाएं, तो मैं भी जा रही हूँ, तो फिर आज आप आके देख लें। तो बस राजदा की तरफ जा रही हूँ, जैसे घर के छोटे मोटे क्लिप भी शूट करती जाती हूँ आपके साथ जी, शेयर करूंगी, तो आपने जी वीडियो में मेरे साथ रहना है। 2 टेबल स्पून जी मैंने लिया है देसी घी और इसके अंदर सारे स्पाइसिस डाल के ना, इसकी ऑलरेडी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है कि मूली के पराठे मैं किस तरह से बनाती हूँ, आधा गिलास पानी का शामिल करके और मूलियों के पैकेट इस तरह से मैंने बना के फ्रीज किए हुए होते हैं तो वो इसमें रख के, तो आप इसको मैंने मेल्ट करके ना अच्छी तरह से भून लेना है। आज ही मैंने दाल चावल बनाए हुए थे, आज फ्राइडे है और इब्राहिम ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, सिंपल दाल बनाई है, बीच में चिकन नहीं था डाला। क्या हो गया भाई, भूख लगी आपको? भूख लगी है आपको? भूख लगी है? दाल बनाई हुई है, वो कह रहा मैंने दाल नहीं खानी, दाल और राइस बॉईल किए थे अभी भी, सबने खाना खा लिया और इसके लिए स्पेशल अब मुझे ये बनाना पड़ रहा है। और ये देखे पास खड़ा होके तो बनवा रहा है कि भाई ना जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। अच्छा अब ये ड्राई हो तो तब ना ड्राई, हाँ ये ड्राई हो ना फिर मैं आपको। मूलियों को जी अच्छी तरह से मैंने ड्राई करके और बाउल में डाल लिया था, फ्रिज में मैं रखने लगी थी तो इब्राहिम ने रोला डाल दिया कि मुझे अभी रोटी बना के दो, फिर जी अभी सामान गर्म ही था तो मैंने उसके साथ इसको पराठा बना के दिया और ये इसके आप हालात चेक करें, भूख माशाल्लाह सारे काम करवा लेती है। और हालांकि ना माशाल्लाह इब्राहिम की मैंने ये आदत देखी है कि अपनी चीज़ें बड़ी अच्छी ये देख के संभाल के रखता है, अपना बैग संभाल के रखता है, अगर कोई चीज़ खा रहा है तो रैपर वगैरह उठा के डस्टबिन में फेंकता है, अच्छा अपनी चेयर उठा के किचन में रखेगा, किचन का डोर बंद करेगा, लाइट बंद करेगा, मतलब माशाल्लाह ना इस साइड पे ना इब्राहिम जो है ना मतलब दोनों बहनों से ना ये ज़्यादा समझदार है। और मलिक साहब ने आज जाना था इसकी कटिंग करवाने के लिए तो उन्होंने कहा था कि आप इसको खाना खिला लें और उसके बाद मैं फिर इसको ले जाता हूँ कटिंग के लिए। इब्राहिम के जी बाल काफ़ी लंबे हुए हुए थे और स्कूल भी जाता है तो मैंने कहा इसकी आज फ्राइडे है आप फ्री हैं तो ज़रा कटिंग करवा दें। अच्छा अब आप मूली वाले पराठे की रेसिपी पूछेंगे, इसकी ऑलरेडी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, मूली वाले सामान को आप फ्रीज कैसे कर सकते हैं उसकी भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और आपके साथ शेयर की हुई है। आपने कोई भी अगर वीडियो देखनी होती है, अगर मैंने वो रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है तो आप मूली वाला पराठा बाय नासरा खानम लिखेंगे ना तो आपको मूली वाले पराठे की रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है तो बस जी आप इब्राहिम को खाना खिलाऊंगी। मुकद्दस क्या हो रहा है? ये जी रात को भी नहीं सोई और ये दिन को भी आके नहीं सोई, इसकी हालत देखें। अब मैंने नोटिस किया कि मेरी आंखें गुस्से के अंदर जाना शुरू हुई। हाँ तो नींद आई है ना, बस इनको भी लटाओ ना और मैं मतलब सब जाएंगे बाहर। और ये देखे जी मेरा कट्टू ना आया आज। अच्छा ये देखे ये ईद का देख रही है, ब्लैक शीप, इसकी ब्लैक शीप इसको बोर्ड के पेपर हो रहे थे क्या। और ये जी देखे मेरी नन्नू इधर खेल रही है, इसकी जी आज कटिंग हो गई है, शुक्र किया इसकी कटिंग हुई है। अब ना चुप करना, ये जी इब्राहिम की कटिंग हो गई है, इब्राहिम इधर देखो कितनी सोनी लग रही है जी, चले हैं।
बच्चे जी तीनों सो गए थे, मुकद्दस को मैंने इनके पास ही सुलाया था क्योंकि ये पिछली रात भी नहीं थी सोई, तो मैंने कहा ये सो जाएं तो फिर मैं घर से निकलूं ताकि मुझे तसल्ली रहे कि बच्चे पीछे सोए हुए हैं। और अम्मी घर पे ही थी, थोड़ी सी ये भी मुझे तसल्ली होती है कि बड़ा बंदा घर में है। और बस जी फिर हम आगे थे राजदा की तरफ, काफ़ी दिनों का मेरा चक्कर नहीं था लगा क्योंकि ज़ाहिर है राजदा के काम चाह रहे थे। अब वहाँ जाके ना मैं आपके साथ क्लिप शेयर करती हूँ। खाला लोग जूस लाए थे, रुशा वो डाल रही हेलो हमसे पीछे हटो। ये आप हमारे व्लॉग में देखेंगे किसके लिए लाया। अच्छा मैंने पता क्या सोचा था, मैं यहाँ पे आज भी चाय मंगवाऊंगी तो कर लो। और मैं नहीं मैं पता लगे क्या फिर मूव आज कम। साथ साथ में जी सफाइयाँ भी चल रही हैं, शिफ्टिंग भी हो रही है, और साथ साथ जो फर्नीचर वगैरह हर चीज़ ऑर्डर की हुई थी वो भी आ रहा था। और बस काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया था और काफ़ी अभी रह भी गया। गाइस ये रूशा का कमरा है वाला मोबाइल मेरे पास है तो मैंने दिखाना है जी। देखें मेरा कमरा है, इसमें मैंने पर्पल लाइट लगवाई है। खाला ये देख लें आज मैं आपकी व्लॉगिंग कर रही हूँ, और ये देखें साथ मैंने मैचिंग कलर के ब्लाइंड्स भी लगवाए हैं। अच्छा है ना खाला? हाँ जी चलें। और ये जी साथ वैनिटीज़ भी हैं। चलें अब हम ऊपर चलते हैं। आमना इब्राहिम साथ में नहीं थे तो जी हमज़ा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, अल्लाह पाक इनको इनका घर नसीब करे। माशाल्लाह घर बहुत ज़्यादा प्यारा था। बस उसके बाद जी हम आ गए थे ख्याम चौक, और यहाँ पे मुझे खाने थे दही भले। अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मेरा ना कुछ इस तरह का खाने का दिल था कि बस जिससे ना मेरा पेट भर जाए। और बस जी हमने फिर दो प्लेट मंगवाई हैं दही भले, मैंने और मलिक साहब ने खाए हैं। उसके बाद जी फिर हम घर वापस आ गए थे। राजा की तरफ से जी हो के मैं आ गई थी। छोटे मोटे क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अल्लाह पाक उन्हें अपना घर नसीब करे, उसमें रहना नसीब करे, खुशियां दिखाए बस। और इससे आगे मैं कहती हूँ कि क्या चाहिए बस। इंशाल्लाह डिटेल में जो वीडियो है वो राजा खुद पहले अपनी वीडियो शेयर करेगी अपने घर की, तो इसके बाद फिर हम भी इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो छोटी मोटी शेयर करते रहेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।